दिसंबर 2019 में इस रोड के बीचों बीच गड्ढा था, जिसका वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था। SAF लाइन की रोड पर गड्ढा होने के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस गड्ढे के कारण आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति चोटिल होता रहता है। अरे, गड्ढा खुदा होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? रात के समय अंधेरा होने की वजह से क्या गड्ढे का दिखता नहीं है, जिससे छोटे मोटे वाहन, साइकिल वगैरह उसमें काफी बार गिर चुकी है। और बारिश के टाइम में पानी भर जाता है तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ गड्ढा है। इसकी वजह से काफी लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। एक साल के आसपास कभी कोई यहाँ पे आया नहीं, शिकायत वगैरह हुई क्या? रिपेयरिंग के लिए लोग आते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से रिपेयरिंग नहीं करते, वो फिर धंस जाता है गड्ढे। ये गड्ढा बहुत बड़ा है, इसके कारण हम स्कूल जाते समय गिर जाते हैं, हमारी साइकिल फंस जाती है, हम गंदे हो जाते हैं। वीडियो को बनाने के पश्चात वीडियो की स्क्रीनिंग की गई, लोगों से चर्चा की गई कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। वीडियो बनाने के पश्चात मैंने पार्षद महोदया मीना जी से संपर्क किया, उन्होंने उनको बताया कि सड़क के बीचों बीच गड्ढा खुदा हुआ है, तो इसके समस्या के लिए वह रोड को बनवाएं। जैसे अभी आपने वीडियो देखा, उसमें सड़क पे जो गड्ढा है वो खुदा हुआ है, उसकी वजह से अक्सर कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तो बस हम आपके पास ये उम्मीद लेके आए थे कि आप इस रोड को जल्दी से बनवा दें, जिससे लोगों की समस्या खत्म हो जाए। समस्याओं से आपने अवगत कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए दिन ऐसी समस्याएं पहले भी कई लोगों ने मुझे बताई हैं, कुछ लोग मेरे पास भी आए हैं, और आप चिंता ना करें, जो भी है ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनकी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मैं इनको समस्याओं को खत्म करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने हमारी बात को समझा, और अभी आप देख सकते हैं कि इस स्थान का जो पे जो गड्ढा था वो गड्ढा भर चुका है, और यहाँ से निकलने वाले लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वैसी अब समस्या नहीं है, क्योंकि अक्सर उस गड्ढे की वजह से लोग गिर जाते थे, वैसी समस्या अब नहीं है। यहाँ एक गड्ढा था जो बड़ा था, हम जब यहाँ से जाते थे तब हमारी साइकिल फंस जाया करती थी। साइकिल फंसने की वजह से थोड़ी चोट लग जाती थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाया करती थी। आपके आने के, आपने यहाँ पे आके वीडियो बनाई थी, तो उसके 2-3 महीने बाद ही ये गड्ढा सही हो गया। सही होने की वजह से हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं, हमारी साइकिल अच्छे से निकल जाती है, पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। पहले आप यहाँ आए थे, यहाँ रोड पर जगह जगह बीच में गड्ढे हो रहे थे, तो उन गड्ढों की समस्या को लेके हम लोग पार्षद से जाके मिले, और आप भी हमारे साथ गए थे, तो आपने जो है वहाँ उनको बताया कि ये गड्ढे हैं, इनमें गड्ढों में आने जाने वाले लोग गिर जाते हैं, साइकिल है, वाहन है, ये गिर जाते हैं। तो पार्षद से चर्चा हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया। उसके 2-3 महीने बाद यहाँ रोड का काम शुरू हुआ, जिसमें सारे गड्ढे भर दिए गए, और उन गड्ढों के भरने से अब किसी भी तरीके के वाहन गड्ढों में नहीं गिरते, और कोई समस्या नहीं है। जिस तरीके की समस्या पहले थी, साइकिल, स्कूटर या वाहन जो भी आने जाने वाले कभी कभी अंधेरा होने की वजह से गड्ढों में गिर जाते थे, अब इस तरीके की समस्या खत्म हो गई। और अभी आप देख सकते हैं कि इस स्थान का जो पे जो गड्ढा था वो गड्ढा भर चुका है, और यहाँ से निकलने वाले लगभग 2000 लोगों की समस्या का समाधान 4 महीने के अंदर से हो गया है। और यहाँ से निकलने वाले लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वैसी अब समस्या नहीं है। कि आपने मुझे इस समस्या से अवगत कराया, और जैसे ही मुझे ये पता चला कि गड्ढों की वजह से आमजन को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, और कुछ लोग मेरे पास आए तो उन्होंने भी मुझे बताया कि इस गड्ढे की वजह से ज़्यादा दिक्कत आती है, गिरने की, एक्सीडेंट होने की प्रॉब्लम्स होती हैं सामने, तो मैंने भी उस समस्या को जल्दी अपने ध्यान में लेते हुए और उसको हल करने का पूरा प्रयास किया, और उसे मैंने ख़त्म कर दिया। अब ऐसी गड्ढे वाली कोई समस्या नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बिल्कुल, आगे भी हम आपको परेशान करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, आइए। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहर्ट के लिए।